कैसे हैं दोस्तों? तो भाई हम कर रहे थे रेमेडीज अवेलेबल इन एन एक्शन ऑफ टॉट, राइट? और काइंड्स ऑफ रेमेडीज हमने पढ़ी, काइंड्स ऑफ रेमेडीज अवेलेबल, ठीक बात है करी? काइंड्स ऑफ रेमेडीज अवेलेबल इन एन एक्शन ऑफ टॉट, ठीक है जी। तो यहां पर दोस्तों काइंड्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर दो काइंड्स हैं। पहली काइंड ये है दोस्तों जुडिशियल रेमेडीज। क्या है दोस्तों? जुडिशियल रेमेडीज, ठीक है। जुडिशियल रेमेडीज क्या होती है भाई? ये है प्रोवाइडेड बाय कोर्ट, प्रोवाइडेड बाय कोर्ट व्हेन अग्रीव्ड पार्टी फाइल्स अ सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, ठीक बात है ना? ये बात तो मैंने बताई थी। यानी ये रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट प्रोवाइड जो की जा रही है वो कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो कोर्ट यहां पर किस तरह के जुडिशियल रेमेडीज प्रोवाइड करेगा, हम इसकी बातचीत करेंगे। क्या ये बात समझ आई? फिर होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। क्या होती है? एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। ये क्या बताया था मैंने? यहां पर कोर्ट इंटरफेरेंस की जरूरत ही नहीं है। अ पर्सन, कौन सा? अग्रीव्ड पर्सन, लिख देता हूं ऊपर, अग्रीव्ड पार्टी, पर्सन की भी छोड़ देते हैं, अग्रीव्ड पार्टी की बात कर लेते हैं। अग्रीव्ड पार्टी, अग्रीव्ड पार्टी कैन टेक लॉ इन हिज ओन हैंड्स। Aggrieved party can use, ध्यान से देखिएगा, can use power against wrongdoer instead of waiting for court, कभी court में जाके काम करेंगे। ये दोस्तों इसलिए है ताकि नुकसान को बचाया जा सके और सामने वाली जो पार्टी जो गलत काम कर रही है उससे अपने आप को बचाया जा सके। क्या बात समझ आई या नहीं? क्योंकि कई चीजें होती है, जब जान चली गई तो फिर ऐसे केस में कोर्ट क्या करेगा अभी बाद में? क्या ये बात ठीक है कि नहीं? इसीलिए सेल्फ डिफेंस दे दिया गया। उसी तरह से दोस्तों कई ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जहां पर एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब बातें हम इसी वीडियो में समझेंगे। तो दो बातें आपने देख ली, यहां पर कोर्ट के पास जाते हैं लेकिन यहां पर लॉ को अपने हाथों में लेकर के ये जो एग्रीव्ड पार्टी है ये अपनी ही पावर का इस्तेमाल करके क्या कर लेती है, ये अपनी ही ओन फोर्स का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज प्रोवाइडेड बाय लॉ इनका फायदा उठाती है, ठीक बात है कि अपने निजी फायदे के लिए नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, अपने आप को, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, ठीक बात है कि? तो पार्टी कैन यूज पावर, ओन फोर्स, इसको लिख देता हूं ओन पावर या ओन फोर्स, ओन पावर अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, ठीक है जी। पावर का मतलब यहां पर क्या है? फोर्स, अपनी फोर्स, उसको इस्तेमाल करके सामने वाले से अपने आप को बचा सकती है। तो भाई अगर मैं बात करूं प्रोवाइडेड बाय कोर्ट, ऐसे केस में सबसे पहली जो रेमेडी प्रोवाइड की जाती है वो है मेरे भाई डैमेजेस, ठीक है जी। डैमेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं आपको। डैमेजेस भी तरह तरह के हैं भाई, डिपेंडिंग अपॉन द लॉस एंड डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस क्या किया जाता है, ये डैमेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि कंटेम्पचुअस, क्या कहा मैंने? कंटेम्पचुअस डैमेजेस
कंटेंचुअस क्या होते हैं सब डिटेल में हम करेंगे। फिर आते हैं दोस्तों नॉमिनल डैमेजेस, फिर आते हैं सब्सटेंशियल डैमेजेस, सब्सटेंशियल, और हमारे सामने फिर आते हैं विंडिक्टिव डैमेजेस या एग्जेम्पलरी डैमेजेस कहा जाता है, एग्जेम्पलरी। तो ये चार तरह के डैमेजेस अवेलेबल है, यानी सबसे पहली बात कोर्ट आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस देखते हुए डैमेजेस प्रोवाइड कर सकता है, क्या ये बात समझ आई। लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन हो गया जिससे आपको नुकसान हो रहा है और आप सामने वाले से डैमेजेस कम लेकिन वो जो गलत काम करता चला जा रहा है उसको रोकना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, तो ये कहलाते हैं दोस्तों इंजंक्शन। क्या कहा जाता है इसे? इंजंक्शन, इंजेक्शन नहीं, इंजंक्शन, इंजंक्शन। इंजंक्शन में क्या होता है, हम सामने वाली पार्टी को चाहते हैं कि वो एक काम करे या करने से रुक जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा, या तो वो ये काम करे, मैंडेटरली उसे करवाना है ये काम सामने वाली पार्टी से, ये हम कोर्ट के आगे दरख्वास्त करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, और या फिर हम ये कहते हैं कोर्ट को कहते हैं जी इसको रोको ये काम करने से। यानी ये प्रोहिबिशन का भी नेचर हो सकता है कि क्या किया जाए कि उसे रोको ये काम करने से, वो ये गलत काम कर रहा है और इससे मुझे नुकसान हो रहा है, या फिर उसे ये काम करवाया जाए क्योंकि उसने बोला था मैं ये काम करूंगा, ठीक है नहीं। और इसे कहा जाता है मैंडेटरी, क्या कहा जाता है, मैंडेटरी, ठीक है। तो कोर्ट या तो प्रोहिबिशन करेगा जो कि नेगेटिव नेचर का नजर आ रहा है कि आप ये काम नहीं करोगे, नॉट टू डू समथिंग, और या तो मैंडेटरी तुम्हें ये करना पड़ेगा, तो कुछ करवाने के लिए भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, राइट, कहलाता ही इंजंक्शन ये, राइट, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, क्या ये बात समझ आई। तो जहां डैमेजेस का सवाल है ये आएंगे कैसे, पेक्यूनरी नेचर के, मॉनेटरी नेचर के। इंजंक्शन क्या है, कुछ करने या ना करने के लिए कोर्ट का ऑर्डर। अब ये कुछ करना या ना करना, या तो ये टेम्पररी नेचर का होगा कि थोड़े समय में आपने कर रहा है, या फिर ये परपेचुअल नेचर का होगा कि भैया आज नहीं, ऑल द टाइम यू हैव टू मेंटेन दिस। यानी ये इंजंक्शन क्या हो सकता है, टेम्पररी नेचर का भी हो सकता है, ठीक है जी, और ये परमानेंट नेचर का भी हो सकता है, परिनियल नेचर का भी हो सकता है, क्या हो सकता है, परिनियल नेचर। तो इंजंक्शन क्या होगा भाई, प्रोहिबिटिव होगा यानी प्रोहिबिशन लगाएगा, या मैंडेटरी नेचर का होगा, या ये टेम्पररी नेचर का होगा थोड़े समय के लिए, या ये परमानेंट नेचर का होगा, राइट। तो कोर्ट जो जुडिशियल रेमेडीज दे रहा है वो क्या दे रहा है, या तो आप डैमेजेस देंगे, आपको डैमेजेस दिलवाएंगे, या किसी काम के लिए इंजंक्शन दिलवाएंगे। कोर्ट आप ही से पूछता है ना, ग्रीन पार्टी से बोलो क्या चाहते हो, कोर्ट से आप क्या चाहते हो, तो कोर्ट उसी हिसाब से फिर अपने सारे के सारे लॉज को लगाने के बाद जज साहब आप दोनों की सुनवाई करेंगे, प्लेंटिव और डिपेंडेंट की बातें सुनी जाएंगी, एविडेंस को देखा जाएगा, और उसके बाद जाकर के वो देखेंगे कि जो पार्टी डिमांड कर रही है उसे वो दिया जाए या ना दिया जाए। तो हमारे लिए जुडिशियल रेमेडीज आ गई, जहां पर क्या कर रहा है कोर्ट, ये काम कर रहा है कोर्ट, ये ऑर्डर दे रहा है, क्या ये बात समझ आई। या तो वो डैमेजेस देगा या इंजंक्शन देगा, और फिर कई बार एक स्पेशल काम के लिए भी कोर्ट के पास जाते हैं, विच इज स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है कि नहीं, प्रॉपर्टी को रेस्टिट्यूशन करवाना, तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिलहाल इसकी डिटेल में हम नहीं जाते क्योंकि हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या स्कोप ऑफ स्टडी है, आने वाले वीडियो में हमें कौन कौन सी चीजों को डिटेल में पढ़ना है, राइट। तो फिर आती है बात हमारी एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज की दोस्तों। अभी एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज क्या है, सबसे पहले तो आते हैं कि आप सेल्फ डिफेंस के लिए काम कर सकते हैं, ठीक बात है। मैंने आपको दो चीजें तो बताई दी थी, पहला है सेल्फ डिफेंस, क्या है, सेल्फ डिफेंस, अपने शरीर को बचाने के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए आप ये एक्शन ले सकते हैं, इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। और फिर आता है कि ट्रेसपासर को एविक्ट करना, आपके ही प्रॉपर्टी पे कोई ट्रेसपास करके आ गया, जैसे मैं एग्जांपल दिया था, अब आप चाहते हो कि उसका एविक्शन, कि भैया उसे निकालो यहां से, क्या किया जाए, एक्सपल किया जाए, निकाला जाए उसे, तो एविक्शन या एक्सपल्शन कहा जाए इसे, एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपासर। ट्रेसपासर क्या होता है,
जो कि बिना इजाजत आपकी प्रॉपर्टी में आन घुसता है। क्या ये बात समझाई? तो जो ट्रेसपासिंग है, ट्रेसपासिंग के अंदर एक्सपल्शन करने के लिए आप खुद एक्शन ले सकते हैं बजाय कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के। मान लीजिए कोई आपको आपकी प्रॉपर्टी से निकाल दे, आपका सामान उठा के बाहर फेंक दे, तो क्या करोगे भैया? आपके पास पावर है कि आप अपनी फोर्स यूज करके अपने दोस्तों को साथ लेकर के क्या करें, ऐसा कर सकते हैं आप कि अपने जो भी आपके जान पहचान में आपके मित्र हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, उनके साथ जबरन अपनी ही प्रॉपर्टी में घुस जाए। क्या दिक्कत है भाई, आप ही की तो प्रॉपर्टी है। तो यानी री एंट्री ऑन लैंड, री एंट्री ऑन लैंड। गांव में कई बार दिखाया जाता है जी, क्या होता है, जमीन का ही सारा खेल है भैया गांव में। तो विलेजेस में कोई एक दूसरे की लैंड जो है वो खुले हुए हैं, क्या करता है वो उसके लैंड पर ही जाके कब्जा कर लेता है। तो वो अपने लोगों को ले जा करके उसे उस लैंड से बाहर निकाल सकता है। अपने ही लैंड पर जाने का आपके पास अधिकार है, उसके लिए आप अपनी फोर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट री एंट्री ऑन लैंड। क्या कहते हैं इसे, री एंट्री ऑन लैंड। क्या बात समझाई? फिर न्यूसेंस, न्यूसेंस, न्यूसेंस अगर फैल गई, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, उसकी अबेटमेंट करने के लिए, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि भाई आप बुरी हालत हो गई है आपकी, आपकी ही प्रॉपर्टी में, आपके एरिया में, और आपकी तरफ देखा जा रहा है कि सब कुछ जो है बिगड़ रहा है, माहौल बिगड़ रहा है, न्यूसेंस क्रिएट हो गई है, उस न्यूसेंस को मिटाने के लिए आप फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूसेंस पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी। जब हम इसे डिटेल में बात करेंगे तो मैं विद एग्जांपल आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो चार चीजें हो गई दोस्तों, सेल्फ डिफेंस, एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपासर, री एंट्री ऑन लैंड, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। क्या बात समझ आई? एक और भी है दोस्तों, डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट, डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट। ध्यान से सुनिए वैसे, मान लीजिए आपके, आप एक फार्मर हैं, ठीक है जी, फार्मर, और आपने बड़ी मेहनत करके फसल उगाई, जरा सोचो, और आपके नेबर ने क्या किया, या जानबूझकर कुछ भी करके उसके बैल खुले छुटे हुए थे, ठीक है कि नहीं, या उसके जानवर खुले छुटे हुए थे, और वो आकर आपकी फसल को तहस नहस करना शुरू कर देते हैं, बताइए क्या करेंगे आप? ऐसे केस में आपके पास राइट है, हालांकि आप किसी और के जानवर को भगा नहीं सकते, मार के ऐसा नहीं कर सकते कि वो जानवर शांति से खड़ा है, किसी की काओ, किसी की बफेलो, किसी का कैमल खड़ा हुआ है और आप उसे डंडे मार रहे, तो भैया आपके अगेंस्ट एक्शन होगा। लेकिन पता चला किसी के बैल आए और वो आपके फार्म में आके, फार्म हाउस में आके आपकी सारी फसल बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? आपके पास राइट है, फसल खराब होने का इंतजार मत कीजिए, कोर्ट में जाने का इंतजार मत कीजिए, आप उसी समय डंडा लेकर भैया उन बैल को भगा सकते हैं वहां से। क्या ये बात समझ आई? तो ऐसे पर्टिकुलर केस में दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट, राइट। तो इसके बारे में और डिटेल में ही बात करेंगे आने वाले टाइम में। तो फिलहाल हमारे पास पूरी की पूरी काइंड्स यहां पर कवर हो गई हैं। दो तरह की काइंड्स हैं, जुडिशियल रेमेडीज, एक्स्ट्रा जुडिशियल, कौन कौन कब कब इसे कर सकता है ये बता दिया, कितने इनमें पॉइंट्स हैं मैंने वो बता दिया। तो जो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज है दोस्तों, वो हर केस में अवेलेबल नहीं होती, वो गिने चुने केसेस में अवेलेबल है जो आपको दिखाए गए हैं। क्या बात समझ आई? या जो इससे मिलते जुलते होंगे, ठीक है कि नहीं? तो मेजरली आपके यही इसमें कवर होते हैं। एक और आता है रिकैप्शन ऑफ गुड्स, जिसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। एक और इसमें आता है रिकैप्शन ऑफ गुड्स। रिकैप्शन का मतलब कि आपके अंदर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ले जाए, जैसे आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई एंट्री करके बैठ गया था तो आपसे निकाल सकते हैं, और आपकी कोई गुड्स उठा करके ले जाए, रिकैप्शन ऑफ गुड्स, तो भैया आप उनके ऊपर रिकैप्चर कर सकते हो, उनको अपने कब्जे में ले सकते हो, अपना पोजेशन अपना वापस ले सकते हो, आप फोर्स को भी यूज करना पड़े तो कर सकते हो। तो ये है दोस्तों काइंड्स ऑफ रेमेडीज विच आर अवेलेबल इन एन एक्शन ऑफ टॉर्ट। अब हम आने वाले वीडियोस में इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।